ऑल सेट टू गो। हम लोगों ने सब कुछ कर लिया है, चेन ली वगैरह कर ली है, राइडिंग जैकेट पैंट थोड़े स्पोर्ट शूज़ इस टाइप के पहन लिए। चलिए, गाड़ी कोल्ड स्टार्ट हो चुकी है। अभी सबसे पहला स्टॉप जो होगा हमारा वो होगा केकड़ा में, जो एक पेरिफेरल है उसके पास रॉयल इनफील्ड का शोरूम है। वहाँ पे मैं नंबर प्लेट डलाऊंगा और उसके बाद वी विल बी हेडिंग टूवर्ड्स सहारनपुर वाला रोड टू आर फर्स्ट डेस्टिनेशन विच इज़ नथिंग बट, कहाँ जा रहे हैं हम? मैं जा रहा हूँ चक्राता अभी डायरेक्टली। चलिए, हमने राइड्स कवर कर लिए अभी क्योंकि इन पे बैन है या कुछ है, मैं फालतू का चलान वालान नहीं देना चाहता। तो अभी लाइट्स पे कपड़ा वपड़ा बांध दिया है तो इशू नहीं आना चाहिए। मुझे ब्लैक कपड़ा चाहिए था बट कुछ अवेलेबल नहीं था, तो अभी जो भी मिला डाल दिया, टैंक बैग डाल दिया है और एक मेरे पास पीछे वाला बैग है उसको मैं यहाँ पे रखूँगा आराम से और अपनी जर्नी स्टार्ट करते हैं। अब रख दिया मैंने, वापस आना पड़ा पेपर्स लेने के लिए, गाड़ी के पेपर्स मैं भूल गया घर पे। फर्स्ट ऑफ ऑल, विदाउट दिस व्यूइंग एंगल फिक्स्ड, द इशू दैट आई एम फेसिंग इज हाउ डू यू रीसेट द ट्रिप मीटर ऑन दिस हिमालयन, सो लेट मी चेक दैट आउट। तो ये कुछ चैलेंजेस हैं नॉट रीडिंग द मैनुअल ऑफ ए बाइक। रीसेट हिमालयन 450 ट्रिप मीटर, ओके सो आई लेट यू नो हाउ इट इज डन। इसका बहुत ये मेरे को अच्छा नहीं लगा, देर शुड हैव बीन अ बेटर वे ऑफ रीसेटिंग द ट्रिप। मैं चाह रहा था लॉन्ग प्रेस होके हो जाना चाहिए था, बट यू हैव टू गो टू सेटिंग ट्रिप प्रेफरेंसेस एंड देन रीसेट द ट्रिप, ट्रिप वन को रीसेट करके देन यू हैव टू गो बैक टू योर होम एंड देन यू विल बी एबल टू सी ट्रिप वन इज जीरो। सो आई एम 4 किलोमीटर्स अवे सो इन द ट्रिप, सो बट वी कैन थिंक ऑफ इट कि यहाँ से हम लोग ट्रिप अपने शुरू कर रहे हैं। ऑलराइट देन, लेट्स बिगिन। आई हैव रिडन अराउंड 12 किलोमीटर्स और सो फार सो गुड। तो रॉयल इनफील्ड के शोरूम से हम लोग कुछ 10-12-15 किलोमीटर दूर हैं अभी। वहाँ से देखते हैं कितना टाइम लगता है, आई ट्राई टू गेट इट डन एज सून एज पॉसिबल। यूपी में भाई साहब, मतलब इस साइड में है ना, नॉर्थ ईस्ट साइड, ख़तरनाक तरीके से स्कूट ये 2-व्हीलर और 3-व्हीलर चलाते हैं। कार वालों को तो मौका ही नहीं मिलता है, ये लोग कहीं पे भी कुछ भी डाल देते हैं यार। तो यू हैव टू राइड वेरी सेफली, मतलब कोई नया बंदा है तो यहाँ का लोकल है वो तो ये चीज़ों से काफ़ी, मतलब उसको पता है कि इस तरीके से ही यहाँ पे नॉर्मल है ये सब। बट कोई बाहर का बंदा आएगा ना, उसकी तो वो रो देगा बेचारा, वो बोलेगा क्या चल रहा है। एंड मैंने ये किया है इनिशियली, आई यूज़ टू, मतलब मैं उनको बोलता था क्या कर रहा है भाई, एंड दे यूज़ टू बी, मतलब वो मेरी तरह वैसे दिखते थे कि जैसे बहुत सरप्राइजिंग चीज़ कर, मैं क्यों बोल रहा हूँ, दिस इज़ ऑल नॉर्मल। सो दिस इज़ अ नोट फॉर एवरीबडी, जो दिल्ली NCR लोनी इस साइड बड़ो बागपत साइड से निकल रहे हैं आप, एंड मेरठ साइड भी ऐसे ही सिनेरियो है। अगर आप मेरठ साइड भी निकल रहे हो तो यू हैव टू राइड विद लिटिल केयरफुली, जो बाहर के बंदे हैं अदर स्टेट्स ऑफ इंडिया। आई थिंक ये वाला बहुत प्रो मैक्स राइडिंग मोड पे रहते हैं ये लोग। रॉयल एनफील्ड खेकड़ा 22 किलोमीटर्स, अब थोड़ा नंबर प्लेट वगैरह इंस्टॉल करते हैं और नंबर प्लेट लगाने के बाद जर्नी कंटिन्यू करते हैं। मुझे एयर भी चेक करानी है तो एयर भी थोड़ा चेक कराऊंगा। हाँ, फील्स गुड, दिस इज़ आवर लुक, अगर दिख रहा हूँ तो कहाँ है वो विनीत भाई अपना, वो शी लुक्स ब्यूटीफुल मैन, जितनी बार देखता हूँ उतनी बार मोहब्बत हो जाती है। अरे बहुत प्रो मैक्स बंदा है, एरी गाड़ी और एरी रिपीट। नंबर प्लेट इंस्टॉल, विंड ब्लास्ट बहुत ज़्यादा है, शायद हवा ज़्यादा है, आई नीड टू डेफिनेटली, आई फील कि मुझे वो इंस्टॉल करना चाहिए जो प्रोस्पेक्ट का विंड डिफ्लेक्टर आता है। मतलब ये एक्सपेक्टेड था बट मैं पहले एक लॉन्ग राइड पे जाना चाहता था एंड देन वांटेड टू कंक्लूड कि कुछ लेते हैं टू रिड्यूस द विंड ब्लास्ट। नंबर प्लेट फाइनली इंस्टॉल हो चुकी है, आई वॉज हैविंग इशूज बिकॉज ऑफ द प्रूफ ऑफ एड्रेस, तो अभी एड्रेस का चीज़ें जो है वो सॉर्ट आउट हो गया, तो उसके बाद जल्दी से जल्दी नंबर प्लेट आई और मैंने नंबर प्लेट इंस्टॉल, मतलब ये होनी पहले चाहिए थी यार, बहुत चीज़ें इसकी वजह से गड़बड़ हो गई है बट फाइनली हो गई है, सो इट इज़ ओके। ओके, एयर हो गई है फुल, 26 थी आगे, 33 कराई पीछे, 29 थी उसको कराया 35। तो अब शुरू करते हैं वापस, हम हैं बागपत पे और हमारा रूट रहेगा दिल्ली से
लोनी, लोनी से खेकड़ा, खेकड़ा से बागपत, बागपत से शामली, शामली से सहारनपुर, सहारनपुर से हम सीधा जाएंगे चकराता। मसूरी नहीं जा रहे हैं बिकॉज मसूरी ऑलरेडी मैंने देख लिया है, सो देर इज़ नो पॉइंट इन गोइंग टू मसूरी। और अकेले जाऊँगा, 4 दिन का ही ट्रिप है जिसमें चौथा दिन मुझे वापस आना है, एंड आई वॉन्ट टू रेस्ट ऑल्सो क्योंकि उसके बाद मेरे को ऑफिस का काम भी करना है। तो आई डोंट वॉन्ट टू स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम रशिंग थ्रू द प्लेसेस। मसूरी में काफ़ी जगह है जहाँ पे आपको ट्रैक करना पड़ता है एंड ऑल ऑफ दैट, तो उन सब के लिए टाइम चाहिए होता है। तो मे बी आई डू दैट अगेन समवेयर इन फ्यूचर, बट अभी नहीं कर रहा हूँ। और फ्यूचर अलर्ट दे रहा हूँ, मेरा भाई है मज़र, वो 411 हिमालयन लेने की प्लान कर रहा है, ओल्डर वन, तो वो यहाँ पे रहेगी। सो वेन एवर आई कम हियर आई विल बी गोइंग ऑन राइड विद हिम ऑन दैट बाइक, एंड वेन एवर ही कम्स टू बैंगलोर इन सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया तो वो यहाँ पे आएगा और वी विल बी राइडिंग दिस बाइक ओवर देयर। तो मैंने सोचा पानी पी लेते हैं, बढ़िया पानी वानी पीते हैं। हम लोग आ गए हैं कांदला, 15 किलोमीटर फ्रॉम शामली। अभी मैंने ईयरबड्स डाल दिए हैं कानों में, देन आई ऑल्सो कनेक्टेड माई GoPro विद माई ऑन चार्जिंग विद माई पावर बैंक, एंड आई हैव कनेक्टेड माई फोन विद द RE ऐप, तो फाइनली आई एम एबल टू सी द मैप्स। एंड आई मीन ओनली ग्लिच विच एवरीबडी कंप्लेंट अबाउट इज एक्चुअली ट्रू, आपको अपना स्क्रीन ऑन रखना पड़ेगा इधर, विच इज़ गोइंग टू कंज्यूम अ लॉट ऑफ बैटरी ऑफ योर फोन, बट देन इट इज़ रियली गुड ऑल्सो टू लुक एट द मैप एज वेल। सो वही है कि चीज़ें अच्छी होती है, यू विन सम यू लूज सम। आई एम एन्जॉइंग दिस राइड, हैव अ ग्रेट, हैव अ ग्रेट टाइम ऑन द रोड्स। बहुत ग्रीन है अभी, वही है कि अभी गर्मी का मौसम आ गया है तो मैंगो वगैरह आने वाले हैं। वन क्वर्की थिंग दैट आई हैव नोटिस्ड बींग ऑन द लॉन्ग राइड नाउ इज़ जब आप 4800 RPM पे होते हो एंड यू क्रॉस दैट 90 मार्क, एग्जैक्टली 90 से लेके 97 की स्पीड तक, देर इज़ दिस एडिशनल बज इन द पेग्स। तो वन थिंग टू नोट हियर, आई डोंट वॉन्ट टू से कि ये बग्स, ये दे यू गेट यूज टू इट वन एंड देन दे फेड अवे आफ्टर 97। सो या दैट इज़ वन एडिशनल थिंग दैट आई हैव सीन एज पार्ट ऑफ द वाइब्रेशन साइड। ओवरऑल अभी तक तो मुझे वाइब्रेशन बहुत कंटेन लग रहे हैं, दे आर नॉट टायरिंग मी आउट। देर इज़ हीट, गर्मी की वजह से मुझे थोड़ा सा लग रहा है, आई जस्ट स्टॉप्ड एंड हाइड्रेटेड माई सेल्फ विद वाटर। या और फोन में वार्निंग आ गई है कि द टेम्परेचर इज़ टू हाई एंड इट हैज़ डिसकनेक्टेड द फोन बेसिकली। तो अगेन आई विल स्टॉप एंड देन सी कि आई थिंक यू कैन टर्न ऑफ द स्क्रीन, बट विद दिस यू विल नॉट गेट लाइक टर्न बाय टर्न नेविगेशन, यू विल गेट लाइक एरो थिंग, दैट इज़ ऑल्सो सफिशेंट फॉर मी आई थिंक। तो वो चीज़ ट्राई करके भी देखूंगा, बट आई लेट द फोन कूल डाउन फॉर नाउ फॉर सम टाइम। आई ओपन द ज़िप ऑफ द बैग सो दैट सम एयर गेट्स इनटू द फोन एरिया। वो भी ऑफ करके, बाइक्स के लिए तो आजकल रुकना नहीं पड़ता बट फ़ोन के लिए इसकी वजह से रुकना पड़ा। आई थिंक दिस इज़ अ नेगेटिव साइड ऑन रॉयल एनफील्ड कि इतना ज़्यादा फ़ोन हीट हो गया इन 5 मिनट्स। वी नीड टू रियली थिंक अबाउट हाउ इट कैन बी यूज। आई मीन आई हैव ईयर प्लग्स प्लग्ड इन, तो आई कैन नाउ नो वेयर एग्जैक्टली आई हैव टू टर्न एक्सेट्रा विद द हेल्प ऑफ माई ईयरबड्स, विच विल रिमूव द यूज केस ऑफ यूजिंग दिस। आई मीन कोई भी स्क्रीन हो, टेक एनी स्क्रीन फॉर एन एग्जाम्पल, अगर आप राइट लेफ्ट मुड़ने के लिए इतना बैटरी यूज़ या फिर वार्म कर रहे हो फ़ोन को, तो नोबडी विल यूज़ डैमेज देयर फोन। तो या तो बिल्ट इन मैप कर दीजिए इसमें और वॉट एवर, बट दिस इज़ द अपडेट करेंटली। इट्स ट्रेल टाइम बेबी। इसको ट्रेल नहीं, इसको मजाक कहते हैं यूपी में, इसको नॉर्मल BAU कहते हैं यूपी में। बट बाइक गोज लाइक विदाउट इवन फीलिंग लाइक आप गंदी सड़क पे हो। लुक एट इट, इट जस्ट एब्जॉर्ब्स एवरीथिंग। वाओ मैन, आया हूँ मैं सबको छोड़ के। ओ कॉपीराइट नहीं है, पर मैं इतना सुरीला नहीं गाता अरिजीत जी की तरह। चले हम आने वाले हैं सहारनपुर के पास, ननौता सहारनपुर।
तो हम आ गए हैं इस इंटरसेक्शन पे जहाँ पे सहारनपुर सामने है, देहरादून राइट साइड एंड यमुनानगर राइट साइड। तो आई बिलीव वी हैव टू गो राइट साइड, बट मैं ब्रिज के नीचे उतर के देख के देखता हूँ मैप पे कि कहाँ जाना है। एंड आई एम रनिंग लो ऑन फ्यूल, सो इकोनॉमी दैट आई एम गेटिंग इज अराउंड 30-31। ओके, सो मैं राइट भी लेके राइट लेना है एंड देन लेफ्ट दिखा रहे गूगल मैप्स। तो उस रास्ते से नेसेसरली मतलब किलोमीटर ही बढ़ रहे हैं, सामने भी जा सकते हैं। अरे भाई गाड़ी ठीक करा ले, जो ये सामने वाला रास्ता है ये भी वहीं जाके मिलता है। तो अभी मैं सोच रहा हूँ कि उसी रास्ते से चलते, सामने वाले से वहीं मिलेंगे, सीधा बेहट जाना है, बेहट से सीधा निकल जाना है। फिर ये है इशू, अब यहाँ पे कोई मर गया बेचारा, किसी का एक्सीडेंट हो गया, हु इज आंसरेबल। रॉयल एनफील्ड की हाँ जी, हाँ जी पहाड़ों के लिए, पहाड़ों पे जा रहे हैं। हाँ जी दिल्ली से आ रहे हैं घूमने के लिए। हाँ जी गर्मी लग रही है? नहीं लग रही। नहीं पर ये सेफ्टी के लिए ठीक है, गर्मी तो लगती है जब रुक जाओ तो, गर्मी लगती है वरना हवा खुलता है। जी जी ये देखिए ना, अच्छा ये पूरा सेफ्टी का। इधर मैं जा रहा हूँ इधर, ये नहीं मसूरी के ऊपर पड़ता है ना, धनोल्टी से साइड में, भूल गया नाम ही भूल गया मैं। चलो जो भी होगा वैसे अच्छी आए, पहाड़ों के हिसाब से अच्छी लग रहा है, टायर भी साफ है। जी 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 चलो ठीक है, चला के देख लो आप। ना ना बस भैया हम तो चले। नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है सर। चलो आप क्या करते हो? मैं आईटी में हूँ, कंप्यूटर वगैरह में। जी चलो ठीक है भैया, आप घूमो, आप लोग एंजॉय, हम तो लक्षण करवा रहे हैं। नहीं ऐसा नहीं है, सब लोगों का कोई ना कोई चीज़ फंसी रहती है, छुट्टी लेके आए अभी। आपसे अच्छा लगा मिलकर सर। ये है यूपी की खास बात, ये है कि आपको जो रोकेगा पुलिस वाला वो चलान के लिए नहीं, आपसे हालचाल के लिए पूछेगा। पता आ गया, ओ यार फील्स गुड। तो ये सब चीज़ें आप यूट्यूब में देखते हो, काफ़ी लोग करते हैं और करते नहीं होता है, और ये हो गया रैंडमली, मतलब मैंने कैमरा भी ऑफ कर रखा था, बट मज़ा आ गया, इट वॉज़ गुड कॉन्वर्जेशन, वेरी काइंड गाय। एंड द सॉन्ग दैट इज़ प्लेइंग इन माई हेड राइट नाउ इज ये ए ए पता है बेसुरा गा रहा हूँ, बट ठीक है यार अभी अकेले सोलो में ये सब चीज़ें करनी पड़ती है, मज़ा आता है बहुत ही। नहीं भाई जगह की नाम भी भूल गया, कहाँ जा रहा हूँ यार मैं, सच ए स्टूपिड गाय यार आई एम। कौन सी जगह है मुझे अभी भी याद नहीं आ रही है, क्या थी वो जगह, क्या थी, सी से था, धनोल्टी बोल दिया उसने, मसूरी बोल दिया, सब बोल दिया, व्हाट सीरियसली डूड, शिट आई एम नॉट एबल टू रिकॉल इट नाउ। मैं जा कर आ रहा हूँ मुझे नहीं पता है, रुको यार मैं देखता हूँ पहले कहाँ पे जा रहा हूँ मैं। आई एम गोइंग टू चक्राता, थैंक्स गूगल मैप्स फॉर रिमाइंडिंग मी। तो मैं चक्राता जा रहा हूँ, वेलकम टू द सिटी ऑफ सहारनपुर। यहाँ से एक इंसान की मेमोरी रिलेटेड है मेरी, मतलब कोई ख़ास था मेरा यहाँ से, अब टच में नहीं है यार, क्या करें सब लाइफ में बिजी हो जाते हैं। बढ़िया टू दैट पर्सन, हाई हाउ यू डूइंग। पढ़ाई कर ली है सहारनपुर में, और सुढ़ाई मतलब लंच, और बहुत अच्छे से मैंने खाना खाया। आई नीड टू स्टे हाइड्रेटेड क्योंकि बहुत गर्मी है, इट इज़ अराउंड 44 डिग्रीज, एंड गुड थिंग इज़ इवन दो आई एम वेयरिंग लाइक सुपर हॉट पैंट्स, ये जो राइडिंग पैंट्स है काफ़ी गर्म है, बट आई एम नॉट फीलिंग द हीट ऑफ द व्हीकल एटलीस्ट। तो या तो ये इंसुलेशन लेयर जो पैंट बनाती है, जूते बना रहे हैं, उससे अच्छा है, बट ओवरऑल दैट इज़ अ गुड न्यूज़। बट बहुत ज़्यादा गर्मी है यार, यू नीड टू स्टे हाइड्रेटेड अदरवाइज यू विल गेट हीट स्ट्रोक। तो आई हैव ऑलरेडी हैड 1 लीटर ऑफ वाटर। अभी हम निकल चुके हैं बेहट, बेहट की तरफ, आगे बोर्ड आ रहा है, दैट इज़ अराउंड हाउ मच, सम 20 किलोमीटर था कुछ, यहाँ पर दिखाई नहीं है वो, ओके। बट मेरे को बेहट के लिए जाने के लिए सीधे जाना है, एंड देन आफ्टर दैट धीरे धीरे वो पहाड़ी इलाका जो शुरू होता है ना वो शुरू हो जाएगा उत्तराखंड का। And that's where the fun begins. So yeah, stay tuned. It was good. Everybody is asking me, stopping me and asking me, bike kaisi hai? Aap Ladakh kyun nahi ja rahe ho? I have already done Ladakh. So maine bola unko ki maine already Ladakh kar liya hai. I don't think this is a very eye-catching bike. Agar aap isko le rahe ho, to abhi at least in the current time, it is very eye-catching. Sab ghoom ke dekh rahe hain. Sab aapko matlab road presence jise kehte hain na, wo is gaadi ki hai.
and it's very good. I mean, I'm touring on it. I have done like 110 touring speed ki maine ispe and it was comfortable. I mean, wind noise bahut zyada hai, so you need to add that additional windscreen. Uska figure out karenge, but uske baad shayad ye issue hat jaye. But 90 to 95 to aise makkhan hai, 100 bhi makkhan hai. Matlab apart from wind noise at 110, gaadi ko 110 pe bhi issue nahi hai. माइलेज अगेन 30 आ रहा है, मिक्स माइलेज है. देर इज हाईवे, हाईवे पे 30-31 देती है, सिटी में 29.7 समथिंग देती है, सो प्रिटी गुड. ऑलराइट, मैं हूँ बहेट से कुछ फ्यू किलोमीटर्स अवे. उसके बाद हम उत्तराखंड की तरफ राइट साइड मुड़ जाएंगे और फिर बस धीरे धीरे पहाड़ी इलाका शुरू हो जाएगा. मेरे को थोड़ा थोड़ा पहाड़ उधर दिख रहा है, दूर आपको नहीं दिखेगा कैमरे में. वन थिंग आई फॉरगॉट टू मेंशन, मेरा प्लान था कि वो हैंडल बार माउंट होता है ना जो कैमरे का, वो लेने का. बट यार मैं स्केप्टिकल था, मेरे पास कैमरा तो है नहीं दूसरा. और फिर उतार उतार के दोबारा एक बार यहाँ उतारो एक बार वहाँ उतारो, ऐसे उतार उतार के, तो मतलब मैं फ़ोटोज़ वीडियोज़ में ही लगा रहूँगा, तो इसलिए मैंने वो लिया नहीं. अगर वो ले लेता तो मुझे लगाना भी पड़ता, वरना मतलब उसको जस्टिफाई कैसे करता वैसे वो मतलब इन्वेस्टमेंट को यार, इट्स नॉट अबाउट मनी. बट अगर कोई चीज़ ले रहे हो उसको यूज़ तो करो. मेरा बहुत मन कर रहा है एक नींबू पानी पीने का, लाइम सोडा, और मेरे को लाइम सोडा कहीं नहीं दिख रहा है, यही प्रॉब्लम है सबसे बड़ी. तो फाइनली एक लाइम सोडा तुरंत मिला. मैं रुक गया यार, मुझे लाइम सोडा पीना ही है, पक्की बात है. आइस में डालना जी, ठंडा नहीं, ठंडा उसमें बर्फ हटा दो. हाँ हाँ कोई नहीं, वो आपने उसमें रख रखा था ना, फिर ना ना रहने दो, बर्फ हटा दो. मेरी तबीयत सही नहीं है ना, कोई बात नहीं, दे दो आप भी बिना ठंडा ही दे दो. ठंडा भी बोतल है, अगर कहो तो अच्छे से ला. नहीं आप ठंडा, बिना ठंडा दे दो मुझे, मैं कह रहा हूँ मुझे बिना ठंडा ही दे दो. अच्छा। कोई दिक्कत नहीं. मैंने थोड़ा सा डीराउट किया अपना आपको. यहाँ पे एक खानखा है, बेसिकली इट्स अ प्लेस वेयर समबडी वेरी इम्पोर्टेंट इन आर रिलीजन, काफ़ी बड़ी हस्ती उनकी यहाँ पे कबर है. तो मैंने सोचा कि थोड़ा वहाँ पे 5-10 मिनट देख कर आकर फिर रास्ते से निकलता हूँ. सो इट्स ओनली 6 किलोमीटर दिस साइड, तो मैंने उनकी कबर पे जाके फातिहा पढ़ के जाते हैं और उसके बाद अपनी जर्नी को कंटिन्यू करेंगे. तो ये कुछ 6 किलोमीटर है फ्रॉम द इंडियन ऑयल पंप, जहाँ से हमें राइट लेना होता है टुवर्ड्स उत्तराखंड. तो दैट साइड इज़ ऑल उत्तराखंड दिस साइड, एंड दिस इज़ ऑल उत्तर प्रदेश. तो ये बीच में नहर आई थिंक इज़ द डिवाइडर, बट आई डोंट नो, मैं श्योर नहीं हूँ. यूजुअली जो स्टेट डिवीजन होते हैं वो ऐसे ही होते हैं कि उनका नहर नदी कोई तो चीज़ उनको काट रही होती है. बट ओवरऑल या दैट इज़ अ प्लान नाउ, आई हैव रीच्ड हियर, सो आई एम गोना नो, आई एम गोना गो हियर. मैं रमज़ान के टाइम पे भी यहाँ पे आया था, तो एनीवे आई वाज गोइंग एंड आई रियलाइज कि यहीं पे ही है, तो चलो चलते हैं यार, 5-10 मिनट लगेगी. रेखा में देरी नहीं करनी चाहिए. तो यहाँ से अगर आप लेफ्ट लोगे तो तुरंत आप खानखा में आ जाओगे. ये ब्रिज पार करते, दिस इज़ द साइन ऑफ खानखा, बेसिकली ये हम आ गए खानखा के अंदर. आ गया हमें खानखा के यहाँ पे, और उधर कबर है. यूजुअली हम लोग यहाँ पे रिकॉर्ड नहीं करते हैं, देर इज़ नो स्ट्रिक्ट रूलिंग एज सच, बट हम लोग यूजुअली रिकॉर्ड नहीं करते हैं ऐसी जगह पे, तो बस यही है, यही रीज़न है. मैं आगे रिकॉर्डिंग बंद कर दूँगा अभी थोड़ी देर के लिए, और फिर निकलते हैं यहाँ से 10 मिनट में. खानखा से वापस चलते हैं अब सीधा होपफुली उत्तराखंड ही. अब तो और कुछ है भी नहीं, एंट्री सीधा उत्तराखंड में है, तो लेट्स गो. यार आई टेल यू यार, व्हाट इन द नेम, रॉयल एनफील्ड हैज़ डन अमेजिंग वर्क इन सस्पेंशन मैन. दिस बाइक इज़ लाइक, भाई छोड़ दो इसको गड्ढों में, कोई दिक्कत नहीं है. अरे तू डालना है, ऐसे बोलती है ये, देखो दैट इज़ द थिंग बिहाइंड दिस. और दिस मतलब ये नहर जो है बहुत तगड़ी लग रही है चलाने में, साइड में एकदम मतलब फीलिंग दे रही है. कैमरा वगैरह में यार ये सब चीज़ें फील करना मुश्किल है. ओह वाओ, एंड द इंटरस्टेलर थीम इज़ रनिंग इन माय ईयरफोन्स राइट नाउ. लुक एट दैट डाउन, टैक्सी लग रहा है यार हेलमेट. ओह लुक एट दैट इन फ्रंट ऑफ यू, पहाड़ दिखे, दिखे ना पहाड़, यही तो मजा है.
विश कर रहा हूँ कि काश कोई मेरी वीडियो बना पाता, लाइक आई एम राइडिंग एंड समबडी कोई सामने से मेरी वीडियो बना पाता, क्योंकि वो व्यू जो है बहुत अच्छा लगता है, टू सी योरसेल्फ हाउ यू डूइंग ऑन द रोड. Wait, I have to stop here, man. Seriously, this is so scenic. Ek photo lenge. Vikas Nagar Jila, Dehradun ke andar. Piche thi wo pahad ki first layer thi aur ye hai second layer. Ye hai main layer. Iske baad thandi shuru hui. Isse pehle to thandi mein thandi hi nahi aa rahi hai yaar. Wo pahad wali feeling hi nahi aa rahi hai. Ab aayegi pahad wali feeling. Ek baar ye ho jaye shuru, iske paar hone ke baad duniya shuru hai thandak wali. तो अब चक्राता आ रहे हैं हम. हम लोगों ने चला लिया गाड़ी 230 किलोमीटर. बीच बीच में बहुत रुक गया हमें, अदरवाइज़ तो बिना रुके तो आ ही सकते हैं, बट उसमें भी क्या मज़ा है जो बिना मतलब बिल्कुल सीधा आ जाए, कहीं ना कहीं रुके हैं, कुछ खाएं पिएं, सफ़र का मज़ा तो ले. अगर सफ़र में सफ़र जैसी फीलिंग नहीं आई तो क्या आई, ये थोड़ी ना रोड नापने के लिए जाना है. ऑल्टो भाई क्या हो गया आपको, लॉर्ड ऑल्टो पहाड़ों की रानी, ध्यान से चलो. चलिए अब उन पहाड़ों पे आपको टाइम लैप्स दिखाएंगे हम.